नमस्कार, अभी हिंदुस्तानी मीडिया की टीम है औसी बलाट गांव। औसी बलाट गांव में अभी हमारे सामने कुछ नौजवान बैठे हैं। हम एक एक नौजवान से बात करेंगे, क्या है बिस्फी विधानसभा का अब रुझान, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही यहाँ चुनाव होना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सामने, आप बताएं आपका नाम। जी, मेरा नाम इमरान अहमद हुआ और जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस आईटी सेल का, 3 विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। इमरान साहब, आपको याद होगा ठीक एक महीना पहले आप हिंदुस्तानी मीडिया इसी चैनल पर आप आए थे। अब बहुत सारी बातें हम उसके बारे में कुछ देर के बाद जानेंगे आपसे। आप ये बताएं कि अभी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की क्या पोजीशन है, कौन बनने जा रहा है यहाँ का विधायक, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आप जिधर भी, आप तो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन की इस बार सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और फैयाज साहब हैट्रिक लगा रहे हैं। इस बार तीसरी बार वो भारी मतों से, और मेरा पूरा अनुमान है कि इस बार फैयाज अहमद 30,000 वोट लीड करेंगे। इमरान साहब, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए एक महीना पहले आपने क्या कहा था, खुद आप बताइए। देखिए, एक महीना क्या, ये हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं ना, लोकतंत्र में सबको आज़ादी। एक महापुरुष, एक बड़े लीडर ने कहा था कि सड़कें अगर खामोश हो जाए तो सांसद आवारा हो जाती है। तो सवाल पूछना हमारा दायित्व है, हम किसी नेता की गुलामी नहीं करते हैं। अगर विकास पे सवाल पूछना गलत है तो आप हमको कहिए, हम सवाल तब भी पूछेंगे। हम जो अभी उनकी हिमायत कर रहे हैं, अभी की परिस्थिति देखकर उनकी हिमायत कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा मैनिफेस्टो उनके पास दे चुके हैं। आपके चैनल से ही हमने उनका विरोध किया था, और किस चीज़ पे विरोध किया था, हमको जाति दुश्मनी फैयाज अहमद से नहीं है, या हम किसी पार्टी का मुखालफत नहीं करते। कुछ काम ऐसे थे जिनका मुखालफत करना बहुत ज़रूरी था, और जब विधायक जी को लगा कि नहीं, यहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत आक्रोशित हो चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ हम लोगों के पास आने का काम किया। और एक बार नहीं, 3-3 बार मैसेज किया कि आप हमसे मिलिए। तब हम तमाम अकेला, हमने हमारे जितने भी साथी हैं, तकरीबन 170 लोग, 150 के करीब लोग, हम लोगों ने एक मीटिंग बैठाया और वहाँ फैयाज अहमद पहुँचे और हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो दिया कि हम लोगों की ये दिक्कत, ये तकलीफ है। फैयाज अहमद ने उन पर एग्री हो गए कि अगर हम विधायक बनते हैं तो हम आपका ये काम करेंगे। तो मतलब इसको माना जाए कि मुखालफत से शख्सियत बदलती है और बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि आपने इतनी बातें कही थी, खिलाफ कहा था कि हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग उनके खिलाफ काम करेंगे, और जब उन्होंने वादा करा आपके जो मसाइल थे, आपके उस मसाइल के हल करने का, फिर आप लोगों ने मुतहद होकर काम किया। और आप, आपका कहना है कि फैयाज साहब यहाँ नंबर वन या हैट्रिक लगाएंगे, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात, देखिए, एक तरफ वैसे लोग हैं जो जातिवाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मनुवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक 31 साल का नौजवान शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। तो हम यकीनन, आप जिस तरीके से भीड़ उमर पड़ी है बिहार में, सारे नौजवान एकदम पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो भाजपा वाले, वो हताश हो चुके हैं। इमरान साहब, आपसे एक सवाल और, क्या सियासत में किसी एक दूसरे पार्टी, एक दूसरों पर प्रचार गाड़ी पर या उसकी उस पर जो है पथराव करना या उसके बारे में कुछ शिकायत करना, गाली गलौज करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो यहाँ के भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार हैं, कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। मगर आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इनके पूर्वजों का इतिहास देख लीजिए, इनके जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनका इतिहास देख लीजिए। जब भी ये चुनाव हारने लगते हैं तो नए नए हथगंडे अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, एक नई तरीके से फिर से, अब एक सप्ताह बच गया है चुनाव को,
और बीएसपी की जनता ने ठान लिया है कि इस बार हम शिक्षा पे वोट करेंगे, रोजगार पे वोट करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम में करेंगे। तो बचौल साहब को ये चीज दिख चुका है कि हम बहुत बुरी हार बीएसपी से हारने जा रहे। देखिए एक बात समझिए कि हमारी सीधी लड़ाई हरिभूषण ठाकुर बचौल से, बीच में किसी से नहीं है। और उनको लग चुका है कि फैयाज अहमद इस बार फिर से भारी मतों से विजय हो रहे हैं, इसलिए वो नया नया हथकंडा अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से बीएसपी की जनता को कहना चाहता हूं कि आप हिंदू मुस्लिम पर नहीं, शिक्षा रोजगार पर वोट करें। आपका वैसे मैं बता दूं, सियासत में अब किसी की ठिकेदारी नहीं चलती है और नहीं चलेगी। जनता आवाम जागरूक हो गई है, बेदार हो गई है, वो जानती है न जात है न पात है। अब जात पात से ऊपर उठकर इस बार का जो चुनाव है, जात पात से ऊपर उठकर लोग चुनाव करें, लोग अपना वोट देंगे, अपना हक रायदेही करेंगे वो। इसलिए किसी के बहकावे में हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं आने वाले हैं, बल्कि सब भाई भाई हैं। इसलिए वैसे भी यह अपील बहुत ही अच्छी अपील है और हिंदुस्तानी मीडिया भी अपील करती है कि आप तमाम लोग, वो सिर्फ बीएसपी ही नहीं बल्कि मधुबनी जिला पूरे बिहार के लोगों से ये एक आग्रह करती है कि आप अपने वोट को किसी भी जात या फिर पात पर नहीं, बल्कि आप अपने दिल से ऐसे लोगों को चुनें जो विकास पुरुष हो और आपके क्षेत्र का विकास हो। आइए, अब हम आपका नाम जी मोहम्मद इरफान, क्या करते हैं आप? मैं बॉम्बे में जॉब करता हूं। अच्छा, आप बताएं कि आपके यहाँ के विधायक कौन होंगे? फैयाज अहमद साहब। इंशाल्लाह, ठीक है, शुक्रिया आपका। आप जी बताएं आप। जी मैं मधुबनी जिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष के नाते आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार की जनता एवं मधुबनी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को दे के जिताएँ। जैसे बीसवीं से फैयाज साहब हुए, बेनीपट्टी से हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार भावना झा जी हैं, उनको जिताने का काम करें। फुलफराज से हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको जिताने का काम करें। और जैसा हवा देख रहे हैं, इस बार तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी इस सरकार में बहुत अहम रोल होगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नाम जी? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गालिब। गालिब साहब, आप ये बताएं कि क्या किसी की मजम्मत से या किसी के से नाराज़गी से, किसी का की मुखालफत करने से क्या उनकी शख्सियत संवर जाता है? ऐसा तो नहीं लगता है मुझे कि शख्सियत संवरती है मुखालफत करने से, पर अगर मुखालफत हक पर हो तो मुझे लगता है कि ज़रूर उस शख्सियत में निखार पैदा होती है। उस मुखालफत में आप भी शामिल थे, अब आप ये बताएं कि अब आप उनकी हिमायत में काम कर रहे हैं, उनकी हिमायत में काम करने से आपको क्या लगा लग रहा है कि आपकी जो आपका असेंबली क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कई उम्मीदवार खड़े हैं लेकिन आपके होने वाले विधायक कौन हैं और कितने वोट से वो अंदाजा लगा लेंगे? हमारे होने वाले विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद हैं और गालिबन मुझे यकीन है कि कम से कम 40 से 42 हज़ार से वो लीड करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल और है, इलेक्शन बहुत करीब है और अभी देखा जा रहा है कि लोग सियासी चाल चलना शुरू कर दिए हैं, कहीं जात पात, कहीं हिंदू मुस्लिम, इस तरह की भी हमने देखा है सोशल मीडिया पे कई ऐसे फोटोज़ आ रहे हैं या फिर ऐसी बातें आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूं कि जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हो या फिर जो भी नेतागण हो, तो हमारे हिसाब से ये चीज़ नहीं चलने वाली है। चूँकि चाहे हिंदू कम्युनिटी से कोई आता हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से आता हो, तो तमाम यूथों में एक बात साफ साफ आ चुकी है कि भाई हमने बहुत बेरोज़गारी झेल लिया, रोड पर हम लोग नंगे पांव बहुत चल लिया, युवा नेता 31 साल का तेजस्वी यादव आ चुका है और वो रोज़गार देने के लिए सीधा अपना पर खोल चुका है, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री तय है कि तेजस्वी यादव को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आपका नाम? मेरा नाम तौफीक अहमद हुआ, मैं मधुबनी जिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष भी हूँ। तौफीक साहब, आपसे एक बात पूछनी थी कि आप ये बताएं कि आपके जो अभी चुनाव होने वाला है, आपके विधायक कौन होने जा रहे हैं? होने जा नहीं रहे हैं, जनता ने ऑलरेडी तय कर लिया है। किसको तय कर दिया? फैयाज अहमद साहब। आप इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
आपसे एक सवाल है, अगर फैयाज अहमद एमएलए बनते हैं तो, और अगर वो जो आपका अभी जो नौजवानों ने उनको ये मेमोरेंडम दिया है, जो उनका अभी ये आया है कि मैं फना फना काम को करा दूंगा, तो अगर वो कंप्लीट नहीं करा पाते फिर क्या होगा 5 साल के बाद? जी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो इनकम्प्लीट नहीं करा पाएंगे। मैं अतीत में आपको लेके जाना चाहता हूँ, जिस ज़माने में फैयाज साहब विधायक नहीं थे और इस वक्त आप हमारे बलाट गांव में हैं, ये मधुबनी जिला के अंतर्गत है, तो जिस ज़माने में वो विधायक नहीं थे उन्होंने लाइन लाने का काम किया था। हमारे गाँव में 20 साल से लाइन नहीं था और ये फैयाज अहमद की देन है कि आज हमारे गांव में लाइन है। इसलिए वो एक विकास पुरुष हैं और विकास करने वाले लोग हैं, मैं उन पर एतवार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बैठे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, आप ये बताइए कि तेजस्वी का कहना है कि 10 लाख के रोजगार कैबिनेट के पहले दिन मैं देने का काम करूँगा, मैं उस पर साइन करूँगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, लगे वो कामयाबी होना ऊपर वाले के हाथ में है, बोल तो दिए कि हम कर देंगे लेकिन देखिए क्या होता है। आपका क्या नाम है? शकील अहमद। क्या करते हैं आप? वैसे मैं साइड वर्क का काम करता हूँ, सिविल से इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं, सिविल में इंजीनियर हैं। अब आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, चलिए आप अभी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं या ठेकेदारी ले रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन क्या लगता है आपको जो बेरोजगारी है इस बार परिवर्तन तय है, नीतीश कुमार को इस बार जाना है, नीतीश कुमार की विदाई इस बार कोई नहीं रोक सकता है, चाहे भाजपा वाला हो चाहे कोई भी हो, इस बार नीतीश कुमार को जाना है। शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हसन, समाज सेवी, ग्राम बलाट के यहीं के हैं। आप भाई ये बताइए कि फैयाज साहब जो जितने दो टर्म में रहे हैं और तीसरे टर्म में वो फिर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोग ही बता रहे हैं, आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक जी का जो क्षेत्र है बीसवीं विधानसभा, ये क्षेत्र जो है हर साल सैलाब आता है और रास्ता व्यवस्था ये सब की स्थिति बहुत खराब रहती है, उन्होंने विकास का काम किया है। उन्होंने वादा किया है अभी के मैं अगर मुझसे हमारे हिंदुस्तानी मीडिया चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि अगर दोबारा मैं आता हूँ सबसे पहला काम सैलाब से जो नुकसान होते हैं उसका हल, दूसरा हॉस्पिटल पर मैं काम करूंगा। नहीं, उसका इंटरव्यू हम भी सुने थे, वो बोले थे ये जो इलाका है हमारा बीसवीं विधानसभा यहाँ सैलाब बहुत ज़्यादा आता है, तो तीसरी बार जो आएंगे तो इस पर काम करेंगे जो ताकि सैलाब नहीं आवे, इस पर ये विधानसभा जो बीसवीं विधानसभा की जनता का जो नुकसान होता है वो नहीं हो। दूसरी बात कि यहाँ जो है बीसवीं विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जो सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो एकदम इसकी स्थिति जो दयनीय है, शिक्षा की स्थिति दयनीय है, कानून व्यवस्था जो है वो कहीं का कहीं दिख नहीं रहा, इसके लिए ही बिहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है और 100% तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असगर हुआ। असगर साहब, आप ये बताइए कि बीसवीं विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, एक हफ्ते में चुनाव होना है, आप लोग पूरे क्षेत्र का आप युद्ध में है, आप लोग एक कमेटी बनी हुई है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बताएं कि पूरे बीसवीं क्षेत्र के आवाम का क्या मिजाज है, क्या चाह रही है, इसे ऊपर नेता माना जा रही है? देखिए इस बार तो एकदम परिवर्तन तय है और लोग एकदम चाह रहे हैं कि अब इस बार सरकार तेजस्वी सरकार बने। तो परिवर्तन तय है तो क्या फैयाज साहब का परिवर्तन तय है या फिर? जी नहीं, भाजपा और नीतीश कुमार इस बार आंधी में उड़ जाएंगे और नई सरकार तेजस्वी सरकार आएगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो अभी बहुत सारी बातें आ रही है सामने में, ये हमारे जो आपके जो एक्स एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कभी पत्थर मारने की कभी कुछ किसी और बात की शिकायत की जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें क्या सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं है, वो खुद ये काम खुद करवाते हैं और ये मतलब सहानुभूति लेने के लिए काम करते हैं। आपका क्या नाम? तौकीर अहमद। तौकीर बाबू, आप ये बताइए मुझे कि क्या लग रहा है आपको कि जो एक्स एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं, अभी जो जिस तरह की बातें वो उन्माद की या पत्थर मारने की बातें फैलाई जा रही हैं या फैलाई जाती है, क्या लगता है इनका फ़ायदा और सुविधा? कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको नुकसान ही होगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आदमी को आप भाजपा पर यकीन नहीं,
और अपनी ज़िंदगी तो कुत्ता भी जी लिया करता है। असल जीने का मज़ा तब आता है जब गरीबों के लिए जिया जाए, मज़दूरों के लिए जिया जाए, माँ बहनों के हक़ की आवाज़ के लिए जिया जाए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ भी हमें मेरा युवा नेता ही कर सकता है, ये भाजपा वाले नहीं कर सकते। इसका सीधा सवाल जो है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने दलित की बेटी को 2 बजे रात में जला के दे दिया, उनसे क्या सवाल जवाब करना है? उनसे क्या करते हैं जी? हम बिजनेसमैन हैं और हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस का तो अवस्था ये है कि बड़े बड़े हमारे जो मित्र हैं मरवाड़ी, उनके तो घर में जो है और गेट में जो है ताला लग चुका है, और वो यही कहते हैं कि चावल की रोटी तावा पर, मोदी जी इस बार उड़ेंगे हवा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बावली अहमद। तुम्हारे अपने यहाँ विधायक कौन होंगे इस बार? फैयाज अहमद। आपका नाम भाई? मोहम्मद अकरम। आपके विधायक कौन होंगे? फैयाज अहमद। आप आइए, आप बताइए, आप तो जवान नहीं लग रहे हैं, दाढ़ी पकी हुई है। मोहम्मद इलियास। नाम इलियास आपका है जी? बलाट, गांव बलाट। कौन बनेगा विधायक आपके यहाँ का? फैयाज अहमद। अच्छा ठीक है, आप भी बोलिए। मोहम्मद इजहार है। कौन होंगे विधायक यहाँ के? फैयाज अहमद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रहिका प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष और ककरौल लखनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुखिया जी। आप तो मुखिया भी हैं और कांग्रेस के ब्लॉक सदर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। आपसे एक सवाल मैं जानना चाह रहा था कि बेनीपट्टी विधानसभा और बिस्पी विधानसभा दोनों जगह से आपका लगाव रहा है, कि मुखिया भी हैं आप, प्रतिनिधि हैं, आपके पास सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है और आपका भी क्षेत्र का दौरा होता है। आप ये बताएं कि बेनीपट्टी विधानसभा में भावना झा जो आपने कांग्रेस पार्टी की है, और यहाँ जो बिस्फी में जो महागठबंधन के उम्मीदवार, दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार आपके डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, आप ये बताएं कि दोनों किस स्थान पे हैं, किस मकाम पे हैं, उनके जीत के बारे में आपका क्या कहना है, आप कहाँ तक अपने आप को दुरुस्त पा रहे हैं, उनकी कामयाबी तय है या कामयाब नहीं होने जा रहे हैं, तो उनके किनसे उनका मुकाबला होगा, इसकी आप जानकारी। सिलसिलावार बेनीपट्टी हरता से भावना झा भी एमएलए हैं, और उनके 5 साल की कारकर्दगी माशाअल्लाह बहुत ही शानदार रही है, ये उनका प्लस पॉइंट। 2020 का इलेक्शन इस दफा माहौल ही इस किस्म का बना दिया है कि महागठबंधन के कोई भी उम्मीदवार को कामयाब होने में ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होगा, क्योंकि यूनिटी सिर्फ माई समीकरण भी ही नहीं है। आज बाहर से आए हुए लोग, मजदूर तबका के लोग जो हर जात के हैं, वो बिल्कुल ही त्रस्त हैं, परेशान हैं, परेशानी को अपना देखे हैं, और वो मन बनाए हुए हैं 6 महीना पहले से, मई के बाद से ही जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ही जो इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया और पांव पैदल चलने पर मजबूर किया गया, वो लोग मन बनाए हुए पहले से ही हैं। और जो हालत बिहार का नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने कर दिया है, इस वजह कर महागठबंधन के किसी उम्मीदवार को बिहार में ही ज़्यादा परेशानी लाहक नहीं हो रही है। वैसे ही बेनीपट्टी में बहुत आसानी से भावना झा कामयाब। मुखिया जी, एक सवाल है आपसे यहाँ पे, कि आप ये बताएं कि बेनीपट्टी में जैसे नीरज झा, इसके बाद जो है आपको विनोद नारायण झा जी हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी में वो जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर जिला अध्यक्ष, वो भी सामने हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग आपस में ही जो है एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ताकि वो इलेक्शन में सबका सबके लिए टारगेट बनी हुई है भावना का, तो आपको लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। विनोद नारायण झा जी वो ऐसे मिनिस्टर हैं, PhD मिनिस्टर हैं, लेकिन मिनिस्टर होते हुए भी बेनीपट्टी के लिए क्या किया है उन्होंने, ये सारे लोग जान रहे हैं। उनकी कारकर्दगी
पिछले 5 साल जो MLA भी थे वो कारकर्दगी को भी लोग सामने लाते हैं, जिस वजह से पिछले दफा उनको शिकस्त मिली थी, इस दफा भी लोग याद रखे हुए हैं। और खासकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो, और बीजेपी से जनता बहुत ही नाराज है, क्योंकि वो सारी जनता जान गई है कि ये नफरत फैलाने के अलावा विकास के तरफ इनका कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाने की ही राजनीति करते हैं। और एजेंडा भैया जी, अब आप आए, हम बिस्फी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बिस्फी के बारे में क्या कहना है आपको? डॉक्टर फैयाज अहमद 2 बार से MLA हैं, तीसरी बार के लिए वो मैदान में हैं, माशाल्लाह हैट्रिक लगाएंगे ही, यहाँ भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ तो लोगों का ब्राह्मणों के खास तबका में भाजपा से जितनी नाराजगी देखी जा रही है, उन लोगों का भी साथ मिलने जा रहा है, जिसे लोग बहुत ही ये समझते थे कि इन लोगों का वोट बिल्कुल भाजपा ही है, लेकिन हकीकत माने में मैं तो उन लोगों के साथ बीच रहता हूँ। कांग्रेस में बहुत सारे ब्राह्मणों की तादाद है जो एक एक करके लालटेन छाप को इस बार वोट करना, चूंकि गठबंधन में है वो भी देने जा रहे हैं, हरजन तबका भी दिल खोल करके वो साथ दे रहा है। और माई समीकरण का तो जर्रा बराबर लोग कहते थे, पिछले तो मजबूरी थी लोकसभा में, जो यादव का कुछ वोट चला गया वहाँ, चूंकि गठबंधन इस किस्म का हो गया था और उस गठबंधन के ऐसे उम्मीदवार चले आए थे जो लोग परेशान थे, जिस वजह कर उसके में एक पैसा भी टूट नहीं नजर नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा वोटों से ये कामयाब। एक आखिरी बात है और एक मिनट के अंदर में जवाब देना है आपको कि अभी इलेक्शन तो 1 हफ्ते बाद ही है, ऐसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया या सोशल जो मीडियाज के फेसबुक वगैरह पे कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिससे लग रहा है कि आपसी सौहार्द जिसको बोलते हैं, आपसी भाईचारा, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे उम्मीदवारों के द्वारा जो मैदान में है, आप इस पर क्या कहेंगे और समाज से क्या कहेंगे? देखिए, यह समाज हमेशा शांत प्रिय रहा है, आज भी शांत प्रिय है, सबकी इज्जत करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे इलाके में भाजपा के उम्मीदवार के साथ उन्हें खदेड़ा गया है, सब कुछ किया गया है, वापस किया जाता है, लेकिन यहाँ का संस्कार ऐसा नहीं है, सब इज्जत करते हैं। ये उम्मीदवार खुद अपने आप को ऐसा नमूना पेश करते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया हुआ, झूठा प्रोपेगेंडा उठाकर कोई भी करते हैं तो यही करते हैं। लोग इसको मान जाएंगे? कभी बिल्कुल मानेंगे, मानना होगा, क्योंकि जनता जो है देख रही है कि हमारे यहाँ कुछ ने उसकी इज्जत की है और मेरे ही बारे में लोग कहते रहे, जैसे परसोनी का मामला देख लीजिए, परसोनी में उनकी बहुत ज्यादा खातिरदारी की गई और उन्होंने इल्जाम लगा दिया है वहाँ, तो इस तरीके का ये हटगंडा है उनका अपना जो है सो ये वाहवाही लेने का या अपने तरफ लोगों को रागिब करने का, ये जो है सो एक हथकंडा बना लिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं और इसका कोई असर समाज के ऊपर नहीं जा रहा। चलते चलते एक बात, भावना झा और फैयाज अहमद को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो दिल से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, दोनों का माहौल बहुत अच्छा है, सिर्फ मेहनत करें कि लोग एग्रेसिव होकर पोल करें, असल पोल करवा लेना कामयाबी है, वोट बहुत है, अगर वोट बहुत है और उसे हम बटन तक जा करके नहीं दबा पाते हैं, वर्कर वोट करता है, वर्करों का सम्मान करें, वर्करों से मिलकर रहें और उनसे इस पर ही ज़्यादा तवज्जो दिलावें कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग होगी कामयाबी, बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी होगा। और दोनों के साथ मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने वर्करों के साथ अच्छा सलूक करें और उनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने का। सरोजा साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.